शौक की अहमियत बड़ी हुंदी है, लेकिन तुहानू ध्यान रखना पेगा, ख्याल रखना पेगा कि तुहाडे शौक दे करके किसे दा नुकसान ना होवे। डंडी फा के देखो ते पता चल जाएगा। इसलिए मुलाजिम नूं भी ये जानना जरूरी है कि केड़ा साइलेंसर असली है ते केड़ा मॉडिफाइड है। तुसीं मॉडिफाई क्यों नहीं कराया? ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਿਨਾ ਬੁਲਟ ਠਾ ਠਾ ਨਾਲ ਟੌਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁਲਟ ਚਲਾਏ ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮੋ ਕੀ ਉਲੰਘਨਾ ਨਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ। ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। कभी सड़क के उत्ते तुरते जाओ तो कोल दी कोई पटाके मारदा होया बुलट दे लंघ जे तुहाडे ते तुहाडे कन्नां नूं किस तरीके दे नाल की इफेक्ट होएगा वो तुसीं चंगी तरह जानदे हो। कई बार तो पंजाबी की हुंदे आ गाल भी कढ दिंदे आ कि यार किहो जे कम होण लग पिया। लुधियाणे दे विच आ डीसीपी ट्रैफिक सौम्या मिश्रा जी मेरे नाल ने, गलबात करांगा क्योंकि अहम फैसले लिते जा रहे हैं। लोगों को दसिया जा रहा है कि 28 तरीक तो पहला पहला बुलट के सलेंसर बदल लो, जिन्होंने मॉडिफाई करवाए आ बुलट वो दोबारा उन्हें ओरिजिनैलिटी के लै आन, नहीं तो फिर उन्होंने अंजाम भुगतने पैने हैं। मैम की जरूरत पैगी इस चीज़ की, लोड़ पैगी? देखिए बाद आपा ते रोज़ ट्रैफिक पुलिस लुधियाना रोज़ चलान काटती है, पिछले साल भी 1523 15-23 बंदों के चलान काटे गए हैं सिर्फ मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर ऊपर। जनवरी में भी एक स्पेशल ड्राइव की गई, उस तो बाद ही तुसी देख सकते हो कि अभी भी स्कूल के भी बच्चे, कॉलेज के बच्चे, तो बहुत सारे जो बंदे हमारे मॉल मूल से टहल रहे हैं उन सबके वो साइलेंसर मॉडिफाइड है। ध्वनि प्रदूषण भी होता है उसके साथ साथ, जो भी बाकी पोल्यूशन होता है उसके साथ साथ बहुत लोगों को परेशानी होती है। इसलिए हमने इस बार तो एक अलग तरीका अपनाया है, हमने बंदों को वार्निंग दी है, वो हमने 3 दिन की अवेयरनेस ड्राइव की है, उसमें हम अलग अलग वक् वक् जगहों पर जाके बंदों को दस रहे हैं कि ये क्यों गलत है और ये क्यों लोगों को पसंद नहीं आता है और क्यों ये कानूनी जुर्म है। उसके साथ साथ जो स्कूल है उन्होंने उनके साथ भी सेमिनार किए गए हैं, लगभग 2000 स्कूलों नू प्रिंसिपल नू हमने एक एडवाइजरी भेजी है, उसमें पोस्टर थे जो भी हमारे नियम थे रेगुलेशन है उन सब नू भेजा गया है, जिससे वो अपने बच्चों अते पेरेंट्स नू भी जागरूक कर पाए। इसके साथ सोशल मीडिया में भी चल रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाले मुलाजिमों के लिए भी एक वक्री ट्रेनिंग रखी गई है, क्योंकि बंदा बार बार आंदा है तो वो लड़ाई करता है कि मेरा चलान तो असली है, यही एजेंसी का है। इसलिए साढ़े मुलाजिम भी ये जानना जरूरी है कि केड़ा साइलेंसर असली है तो केड़ा मॉडिफाइड है। तो यही एक हमने शुरू किया है, 28 के बाद आप एनफोर्समेंट शुरू करांगे। उस एनफोर्समेंट ड्राइव के अंदर जो भी हमारे वायलेटर हैं उनके अगेंस्ट चलान कितने जावेंगे, उसके साथ साथ जो मैकेनिक हैं जो ये स्पेशली ये जो हमारे साइलेंसर इन्हों मॉडिफाई कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी FIR कितने जाएंगे, तो नाल तो जो भी हमारी यदि ऐसी जगह है वहाँ पर स्पेशल नाका वगैरह लगाए जाएंगे। सौम्या जी, पंजाब दे विच बुलट नू कल्ट मन्या जांदा है, जिहड़ा बंदा बुलट ला लैंदा उहनू ऐ लगदा कि ये मर्दानगी की निशानी है, तो जिन्नी देर तक बुलट का सलेंसर नहीं बदलावांगे उन्नी देर तक बल्ले बल्ले नहीं होनी, गलियां च भी बल्ले बल्ले नहीं होनी, सड़कों पर भी बल्ले बल्ले नहीं होनी। ये सोच बदलनी भी जरूरी है, लेकिन दूजे पासे ये भी उन्होंने दसना जरूरी है कि जिहड़ा नॉइज़ पोल्यूशन हुंदा उहदे नाल दुनिया का दुखी हुंदी हुंदी है, जिहड़ी जीव जंतु हैगी कुदरत है उन्होंने भी घाण हुंदा। ये तुहानूं लगता है कि मैसेज जिहड़ा हैगा प्यार नाल, तो चलो तुसीं समझाने को जिवें हत्थ दे विच सर ने भी माइक फड़ के लोगों को समझा रहे हैं, जगह जगह तुम ग्रुप्स इकट्ठे करके दस रहे हो, तुम्हें लगता है कि हाँ ये प्यार ना समझ जाएंगे, नहीं तो बाद 28 तो बाद जी कार्रवाई तुम पानी पा ही देनी है। देखिए हर चीज़ की कोई ना कोई शुरुआत तो होंगी ही है, बेशक बुलेट चलाए पर ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना ना करते हुए। जिदा आप कह रहे हो कुदरत है तो हमारे बुजुर्ग लोग हैं तो बच्चे हैं, रात में भी लोग इदा चलाते हैं, हॉस्पिटल है, मरीज है, स्कूल है, बहुत सारे बंदे हैं जो इस साइलेंसर से डिस्टर्ब होते हैं। तुसी भी जो इतने खड़े हो कि ये बाइक चलाओगे तो इतना नॉइज़ होता है कि तुसी खुद भी कुछ कह नहीं पाओगे तो कुछ सुन नहीं पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आज का यूथ भी एक कायदे से समझ ले कि ये साइलेंसर क्यों गलत है, समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। जब वो नहीं माने तो कानून भी साढ़े साथ है, तो आप कानूनी कार्रवाई बेशक करांगे। की प्रोविजन होंगे मैम लॉ के अकॉर्डिंग, कि सैक्शन है तो वो सैक्शन की दसते हैं कि जो टुटता कानून तो फिर की कार्रवाई होंगी है? देखिए हमारी मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 की, इट वाज अमेंडेड इन 2019, उसके तहत सेक्शन 190 सब सेक्शन 2
वो कहता है कि कोई भी बंदा जो इस तरह के अनसेफ कंडीशन में व्हीकल ड्राइव करता है ना, जिससे अन्य लोगों को भी प्रॉब्लम आती है, उसको पहले ऑफेंस में जो तो पहली बार वो पुलिस द्वारा पकड़ा गया 10,000 रुपये द फाइन अथवा 3 महीने की सज़ा मिलती है, या ये दोनों भी एक साथ मिल सकते हैं। उसके साथ जब सबसिक्वेंट ऑफेंस हुआ, माने दोबारा वो पकड़ा गया, तो अगैन 10,000 द फाइन तो 6 महीने की सज़ा मिलती है। तो ये भी हम जो हमारे बंदे हैं वो जगह जगह स्कूल में सेमिनार जाके यही लोगों को दस रहे हैं कि देखो इतनी बड़ी सज़ा है, एक स्टाइल लई तो 1 मिनट की स्टाइल लई तो इधर उधर चलाने लिए काइंडली अपनी जान को भी खतरे से ना डाले तो दूजे की जान की भी रक्षा करें। जिमें मैम बुलट खड़ा होया वाला खड़े खड़ोते बुलट नूं किवें पता लगेगा कि जी ये सलंसर जेड़ा लगा है मॉडिफाइड है कि नहीं है, तुसी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है? कल ये हमारे मुलाजिम आप नूं एक बार दिखा भी देंगे कि किद्दा है, तुसी ये करके दिखा दो तो आप उन्हां दा भी वो देख सकते हो, दसांगे। ये सर इत्थों तक आ गया डंडा, इहदी जाली, इहदे ते जाली कड्डी हुई है, इहदा आ वेखो आ वेंट लग्गिया इहदा, इहदा जेड़ा इत्थों सलंसर चेंज है, जिहड़ा ओरिजिनल सलंसर है उत्थे इहदे सीरियल नंबर हुंदा, इत्थे छोटा हुंदा उहदा साइज, तो ये जी पिछले पाइप की लंबाई ज़्यादा, ये ओरिजिनल ये चेंज होया सलंसर है जी सर, ये ओरिजिनल सलंसर नहीं है। ये ट्रेनिंग सैशन के दसिया गया कि किस तरीके दे नाल सलंसर चैक भी होणगे, क्योंकि अगों अजकल जनता साडे पंजाब दे विच कहिंदे जुगाड़ वर्ड बहुत यूज होंदा, जुगाड़ी कोई ना कोई बहाना दस दिंदी है, तो प्रॉपर तुसीं फिर बंदे बुला के सर जिन्हें भी मुलाजम इन्हां नूं ट्रेनिंग दवाई गई है? कल कल साडी जितने भी मुलाजम है सब दे साथ एक ट्रेनिंग हुई सीगी, जो एजेंसी दे बंदे है वो ओरिजिनली आके उनके सामने मॉडिफाइड साइलेंसर ते ओरिजिनल साइलेंसर देख के एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है, तो उही आपा वो ट्रेनिंग तो बाद आपा बंदे नूं दस सकते हैं कि ये प्रॉब्लम तुहाडे साइलेंसर पे है। फिर भी जदों उस तो बाद भी बंदे नूं प्रॉब्लम आती है तो वो ग्रीवांस लेके मेरे कोल ते ACP दे कोल आ सकते हैं, आपा वो फिर से चैकिंग कराएंगे एजेंसी द्वारा और उसी हिसाब नाल कार्रवाई करांगे। जिवें इहदे च तां जाली नहीं सीगी वो तुसीं लै के आए हो बुलट, खास तौर ते इहदे च की है, इहदा फर्क की है? सर ये वेखो जी, इहदा जिहड़ा सलंसर है इहदी बणतर च भी फर्क है, उहदी ढोलकी छोटी सी, इहदी लंबाई ज़्यादा, और इहदे पिछे इत्थे मारियो जी कैमरा सीरियल नंबर लग्या होया, इहड़ा एजेंसी वल्लों ही है, ये सलंसर साउंड नहीं करूगा, ये एजेंसी तुहाडा बुलट है। किन्ना समा हो गया तुहानू? लगभग 10 महीने हो गए जी। तुसीं मॉडिफाई क्यों नहीं कराया? बस जी हुण चंगा ही नहीं लगता, जदों माहौल देखते हैं आप नूं बुरा लगता जदों बहुत ज़्यादा साउंड होंदा। फिर टोर नहीं बनते बिना बुलट ठा ठा टोर जो ये उत्ते बह गए ये टोर होंगी है जी, जो आवाज़ घट होंगी है, जो कोई जिसे को लंघी दू ठंडक महसूस होंगी है भी हाँ ठीक है यार यदि आवाज़ नहीं हैगी साड़ी ए टोर है। बुलट भजाया बड़ा तो हाँ पीला पै गया सलंसर भजाउन तो जी हूँ इतों तरन तरन जाते होंगे ड्यूटी तो फिर फायदा तो है ही है जी। हम जिस तरीके स्कूल के बच्चे बाहर आ रहे हैं गड्डी के उत्ते खास तौर के उत्ते स्पीकर भी लगया गया, पंजाब पुलिस ने डांग भी नाल रखी हुई है कि सलंसर दे विच पा के चैक किया जाएगा कि सलंसर ठीक हैगा कि नहीं हैगा, मॉडिफाई हैगा कि नहीं हैगा। DCP ट्रैफिक सौम्या मिश्रा जी भी इत्थे मौजूद ने, स्कूल दे बाहर दीआं तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं जिथे बच्चों ने बाहर आना शुरू करता है, छुट्टी का छुट्टी हो चुकी हुई है बच्चों की, जिहड़े जवाक बुलट ते आए हैं उन्हां नूं खास तौर पर दस्या जाएगा।